गिलीगेंस थेरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट जिसमें उसने फीमेल्स के लिए आ, एक स्टैंड लिया और उसने कहा कि फीमेल्स जो है, वो किसी तरह से भी मेल से इन्फेरियर नहीं होती हैं किसी भी डेवलपमेंट में और ये कल्चरल और इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं यहाँ उसने कहा कि तीन स्टेजेस में जो फीमेल्स हैं वो अपनी मॉरेलीटी जो है वो डिवेलप करती हैं सबसे पहले उसने कहा कि वो सबसे पहले पहली स्टेज पर जो है फ़ीमेल फोकस करती है अपने आप को कि मैं कितनी अच्छी हूँ या मैंने साँचों झूठ जो है या मैंने जो है अपनी एथिक्स जो है उसको किस तरह से डेवलप करना है कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा लेकिन मैं किस तरीके से किसी के साथ पेश आ रही हूँ ये मुझे पता होना चाहिए मेरी पर्सनैलिटी मेरा इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है लेकिन आ, मुझे ख़ुद को जवाब देना है मुझे अपने ज़मीर को जवाब दे देना है कि मेरी एथिक्स और मॉरेलीटी और मेरा इमेज जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अच्छा दूसरी स्टेज में कन्वेंशनल स्टेज है जिसमें फ़ीमेल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आ, दूसरों के लिए फ़ील करती हैं कि मैं एक बहन हूँ मैं बीवी हूँ एक माँ हूँ और जो है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस लिहाज से मुझे इस तरह से एक्ट करना चाहिए बीइंग ए फीमेल और बीइंग ए मदर सिस्टर और वाइफ मुझे किस तरह से अपने आप को जो है प्रेजेंट करना है ताकि अगले बंदे जो हैं वो हर्ट ना हो या उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बच्चे की उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है तो फीमेल अब जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझने के बाद अपनी मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उसको और तरीके से प्रजेंट कर रही है फिर मूविंग इन टू दिस स्टेज मीन्स दैट अ फीमेल इज़ एक्सपीरियंसिंग सेल्फ सेल्फलेसनेस एंड इज़ औरटिंग हर सेल्फ़ टू द फीलिंग ऑफ अदर सेल्फलेसनेस का मतलब ये है कि अब उसने अपनी ज़ात जो है उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर लिया है अब वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रही है अपने रिलेशनशिप्स जो हैं अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रही है कि मुझे अपनी ज़ात को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए और मुझे अपने घर के बाकी लोगों के लिए जो है वो टाइम ज़्यादा देना चाहिए अपने आप को कम देना चाहिए उसके बाद तीसरी जो स्टेज है उस पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वेयर अ फीमेन फुली अंडरस्टैंड्स द इंटर डिपेंडेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हर सेल्फ़ एंड अदर्स उसे पता है कि मैं अकेली जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकती मेरे हस्बैंड की जब तक मेरे साथ उनके साथ मुझे अपनी ओपिनियन जो है वो सेम करनी चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर उसका अफेक्ट जो है वो ना हो और इस तरह से वो तीसरी स्टेज पे जाके जो है अब उसकी मॉरेलीटी और डिफरेंट हो गई है कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने रिलेशनशिप्स के लिए और यहाँ जो है मोरेटी उसकी पोस्ट कन्वेंशनल है और वो बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें डिज़ायर्स होने के बावजूद उनको जो है किसी भी कीमत पर दूसरों को हर्ट करके दूसरों को सेक्रीफाइस करके अपनी डिज़ायर्स जो है वो उसको पूरा नहीं करेगी बल्कि पहले वो दूसरों की देखेगी कि उनकी क्या डिजायर्स हैं पहले मैं उनके लिए काम करूँ फिर अपने आप को जो है वो लास्ट स्टेज पर रखती तो दिस इज कॉल्ड द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज